हेलो स्टूडेंट्स, आज असी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट दा नवा लैक्चर करांगे जेड़ा कि इलैक्ट्रिकल दे फिफ्थ सेमेस्टर दे डिप्लोमा स्टूडेंट लई है। कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट वायरिंग सिस्टम। पर्टिकुलरली अपन वायरिंग सिस्टम इस इलैक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम के वक्रे वक्रे वायरिंग सिस्टम जिद क्लीट वायरिंग आ जाता, वुडन कैसिंग कैपिंग आ जाता, बैटन वायरिंग या TRS वायरिंग आ जाता, टफर बचीती भी उन्होंने कहने, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग आ जाता, PVC कैसिंग कैपिंग आ जाता। ये सारिया आप डिफरेंट वायरिंग सिस्टम इंडिविजुअली पिछले लैक्चर्स के मैं करवा चुका वा। ये कंपैरिजन दिखाने कई मकसद ने। पहला तो आप वायरिंग सिस्टम के ईजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फिर ये तो आप चाहे वह कॉस्ट लै लीए, चाहे लाइफ लै लीए, चाहे प्रोटैक्शन लै लीए, चाहे कि जगह पर डिफरेंट वायरिंग सिस्टम कि यूज हों, वो सानू एको ही कंपैरिजन के ईजीली पता लग जाता। नो डाउट कि आपको कली कली वायरिंग सिस्टम की भी नॉलेज होनी चाहिए है भी किदा किदा इसकी फिटिंग या किदा किदा यह यूज़ होंगी, कि जगह पर यह यूज़ होंगी है, पर इस टेबल तो आप ईजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं भी कि वायरिंग सिस्टम आपको साड़ी प्लेस के अकॉर्डिंग या फिटिंग के अकॉर्डिंग या जो भी वो एडवांटेजिज डिसएडवांटेजिज है वो अकॉर्डिंग आपू सूटेबल रहेगा। सो यह कंपैरिजन करन दा सब तो वड्डा मकसद यह कि आप ईजीली चूज़ कर सकते हैं कि सानू कि वायरिंग सिस्टम जोड़ा आ वह सूट करे। सो यदा एक टेबल आंसर होंगे। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल भी यह इंपोर्टेंट है। यह 5 मार्क्स का क्वेश्चन काफ़ी बारी प्रीवियस एग्जाम दे विच आया। सो यह उस पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल भी इंपोर्टेंट है एज़ पर नॉलेज बेस, क्योंकि अपनी डेली रूटीन दे विच आपां वायरिंग सिस्टम दे नाल जुड़े हुए हैं, घर बिल्डिंग वर्क्स कितना कि आपां नूं इहदे नाल डील करना ही पैंदा। सो यह जिहड़ा टेबल आ उहदे विच भी आपां नूं बहुत इंपोर्टेंट रहिंदा है। सब तो पहला जो ओबवियस है सीरियल नंबर, फिर पर्टिकुलर्स कि मापदंड है जिन्हें आप डिफरेंशिएट करना है, उस तो बाद वायरिंग सिस्टम वक्रे वक्रे, पहला क्लीट वायरिंग अगला वुडन केसिंग कैपिंग केसिंग एंड कैपिंग, उस तो अगला TRS वायरिंग टफ रबड़ शीतर भी इनू कह दें आप, कंड्यूट वायरिंग ते लास्ट PVC केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग। सो यह वक्रे वक्रे वायरिंग सिस्टम नूं आपां जिहड़े कि आपां पहले इंडिविजुअली कीते आ उन्हां नूं आपां डिफरेंशिएट करांगे। इहदे विच सब तो पहला पर्टिकुलर्स भी कि चीज़ ते, जिदा फॉर एग्जाम्पल पहला कॉस्ट, उस तो बाद क्लीट वायरिंग, वुडन कैसिंग एंड कैपिंग, TRS कंड्यूट, PVC, इन्हां नूं आपां डिफरेंशिएट करांगे। पहला कॉस्ट, क्लीट वायरिंग की कॉस्ट बहुत घट होंगी है, वुडन एंड कैसिंग कैपिंग की यह मतलब एक दूजे के मुकाबले दे विच भी है, मतलब यदि वेरी लो मतलब ये सब तो ज़्यादा लो होंगी है, तो बाकियों के मुकाबले ये कॉस्टली होंगे। TRS लो होंगे मतलब पहले तो जे वेरी लो आता ये लो आ, उस तो बाद फिर कंड्यूट वायरिंग वेरी कॉस्टली, PVC मीडियम। सो जे आप कॉस्ट की गल करिए सब तो सस्ती क्लीट वायरिंग, उस तो बाद TRS वायरिंग, उस तो बाद PVC वायरिंग जी ठीक ठीक कॉस्ट है, उस तो बाद वुडन कैसिंग एंड कैपिंग ये महंगी पैंती, उस तो बाद कंड्यूट ये सब तो महंगी पैंती।
ਸੋ ਇਹ ਐਜ ਪਰ ਕੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਵੋਲਟੇਜ, ਵੋਲਟੇਜ ਲੋ ਟੂ 250 ਵੋਲਟ ਵੀ ਲੋ, ਮਤਲਬ ਲੋ ਅਪ ਟੂ 250 ਵੋਲਟ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੋ ਲਿਖੂੰਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਪ ਟੂ 250 ਵੋਲਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ 250 ਵੋਲਟ ਅਪ ਟੂ 250 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਇਹ ਯੂਜਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਿਊਟ ਵਾਇਰਿੰਗ ਆ ਉਹ 250 ਵੋਲਟ ਜਾਂ 440 ਵੋਲਟਸ ਗਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਡਿਊਟ ਵਾਇਰਿੰਗ ਐਜ ਪਰ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ, ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਅਰਲੀ ਲੌਂਗ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕਰਿਊਜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੁਡਨ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਲੌਂਗ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ, ਹੁਣ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 3 ਕਰ ਲਏ, ਜੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਡਿਊਟ ਵਾਇਰਿੰਗ